these sums are taught in this video for your better understanding. Note down the sums or arrange the books. If you liked the video, please like, share and subscribe to support us. Thank you, students. Good morning, students. Today we will learn index number, and in that we will solve two sums, sum number 5 and sum number 6 from the text. So students, let's start sum number 5. Find the ideal index number from the following data for the year 2015. Students, यहाँ पर ideal index number find करने के लिए बोला है, तो ideal index number Fisher का index कहलाता है, तो हम लोग find करेंगे Fisher's index number IF. आप लोगों को students FI नहीं लिखना है, आप लोगों को full लिखना है. जब examination आप दे रहे होंगे तो यहाँ पर लिखना होगा आपको Fisher's index number in the bracket IF equals to formula. यहाँ पर मैंने अमाउंट्स नहीं लिखी है बिकॉज यहाँ पर यूनिट्स दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, आप लोगों को इसे सॉल्व करके लिखना है. अगर यूनिट में केजी दिया है तो इधर की तरफ भी केजी होना चाहिए, क्वांटिटी में भी केजी होना चाहिए. अगर यहाँ पर मोर देन वन यूनिट दिया हुआ है तो आपको वन यूनिट में कन्वर्ट करना है इसे. तो 20 kg को आप जब वन यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो प्राइस को डिवाइड किया जाएगा 20 से. तो 120 दिया हुआ है यहाँ पर प्राइस, तो उसे डिवाइड करेंगे तो 6. अब क्वांटिटी, तो क्वांटिटी एज इट इज बिकॉज 10 kg इज गिवन, 280 को डिवाइड किया जाएगा 20 से, तो यहाँ पर अमाउंट आएगी 14. और क्वांटिटी एज इट इज इफ इट इज इन केजी 15 kg. नेक्स्ट 5 dozen, तो यहाँ पर यूनिट भी डजन में ही होना चाहिए. तो आप देखोगे यहाँ पर 48 pieces लिखा हुआ है, तो जो यहाँ पर 48 पीसीज लिखा हुआ है इसे डजन में कन्वर्ट कर देंगे हम. यदि मोर देन 1 dozen दिया हुआ है तो प्राइस को डिवाइड किया जाएगा 5 से, क्योंकि 5 dozen है यहाँ पर. तो प्राइस को 5 से डिवाइड करोगे तो 24 आएगा 3 dozen एज इट इज. 140 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 28. अगर 140 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 28 आएगा. 48 पीसेस दिए है इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डजन, क्योंकि हमारा यूनिट जो है वो डजन में है. तो 48 को 12 से डिवाइड करोगे तो 4 dozen आ जाएंगे. नेक्स्ट यहाँ पर केजी दिया हुआ है तो 1 kg, 4 इधर की तरफ ग्राम्स में दिया है तो ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो 5 kg हो जाएगा. 5000 को 1000 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 5 kg. इधर 8 एज इट इज 4 kg में दिया है इसलिए एज इट इज. अब यहाँ पर 5 liters दिया हुआ है तो 5 liters हमें ओनली 1 unit चाहिए होता है. अगर मोर देन 1 unit है तो प्राइस को डिवाइड कर दिया जाएगा जितने भी यूनिट यहाँ पर दिए होंगे. यहाँ पर 5 unit दिए हुए हैं तो 52 को 5 से डिवाइड करेंगे, यानी प्राइस को 5 से डिवाइड किया जाएगा आएगा 10.4. 15 liter एज इट इज, यहाँ पर 58 दिया हुआ है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 11.6 आएगा. 20 liter एज इट इज. स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर फीसर फाइंड करना है, फीसर इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. तो फीसर इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला में P1Q0, P0Q1 और P0Q1 की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि यहाँ पर फॉर्मूला में लिखा हुआ है. तो P1Q0 करें, जब आप P1Q0 करोगे तो बाकी की दो वैल्यू यानी P0 और Q1 को आपको ढक लेना पड़ेगा, हाइड कर देना पड़ेगा. तो P1Q0 करो, 10 × 14 = 140, 3 × 28, 84, 8 × 5 = 40, 15 × 11.6. करने के लिए कैलसी की हेल्प लेंगे, 15 × 11.6 = 174. सेम वे P0Q0 फाइंड करो, यानी कि इन दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. 6 × 10 = 60, 24 × 3 = 72, 4 × 5 = 20, 10.4 × 15 = 156. P1Q1, तो P1Q1 का मल्टीप्लाई करोगे 14 × 15 = 210, 28 × 4 = 112, 8 × 4 = 32, 11.6 × 20 = 2,32.
अब पी जीरो क्यू वन करेंगे तो पी जीरो क्यू वन 6 × 15 = 90, 24 × 4 = 96, 4 × 4 = 16, 10.4 मल्टीप्लाई बाय 20 = 208। अब टोटल करेंगे पी वन क्यू जीरो का टोटल करेंगे सिग्मा पी वन क्यू जीरो 140 + 84 + 40 + 174 = 438। पी जीरो क्यू जीरो के टोटल को कहेंगे सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो 60 + 72 + 20 + 156 = 308। पी वन क्यू वन के टोटल को कहेंगे सिग्मा पी वन क्यू वन टोटल करेंगे 210 + 112 + 32 + 232 = 586। पी जीरो क्यू वन के टोटल को कहेंगे सिग्मा पी जीरो क्यू वन तो 90 + 96 + 16 + 208 ये आएगा 410। तो इन वैल्यूज को फॉर्मूला में रखेंगे सिग्मा पी वन क्यू जीरो 438 डिवाइड बाय सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो 308 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा पी वन क्यू वन 586 डिवाइड बाय सिग्मा पी जीरो क्यू वन 410 मल्टीप्लाई बाय 100। ऊपर ऊपर की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर लेंगे 438 मल्टीप्लाई बाय 586 जो आएगा 256668 डिवाइड बाय इन दोनों वैल्यूओं का डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे 308 × 410 जो आएगा 126280 मल्टीप्लाई बाय 100। अब स्टूडेंट्स अब करेंगे डिवाइड 256668 डिवाइड बाय 126280 जो वैल्यू आएगी उसका रूट निकाल लेंगे तो 1.4257 फोर डेसिमल पॉइंट तक लेना है क्योंकि जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद दो ही वैल्यू रह जाएंगी 142.57 ये होगा हमारा आंसर। आप लोगों को फॉर्मूले के अलावा सभी जगह पर देयरफॉर का साइन रख लेना है और जो ऊपर वैल्यू लिखी है वही आपको नीचे लिख लेनी है। अब बढ़े आगे फॉर द बेस ईयर नेक्स्ट सम में टोटल एक्सपेंडिचर आया हुआ है तो टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बेस ईयर में पी जीरो क्यू जीरो। अगर पी जीरो की वैल्यू देके रखी है तो क्यू जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है तो टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय पी जीरो। अगर क्यू जीरो की वैल्यू दी है पी जीरो की वैल्यू नहीं दी गई है तो पी जीरो इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय क्यू जीरो। फॉर द करंट ईयर टोटल एक्सपेंडिचर होता है पी वन क्यू वन। अगर पी वन की वैल्यू दी है क्यू वन की वैल्यू नहीं दी है तो टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय पी वन और यदि क्यू वन की वैल्यू दी हुई है पी वन की वैल्यू नहीं दी है तो पी वन इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय क्यू वन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट समय फाइंड द पास्टचेस एंड फीचर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014 यूजिंग द डेटा गिवन बिलो। ईयर 2014 में प्राइस दिया हुआ है यानी पी जीरो बेस ईयर है और टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तो हमें क्यू जीरो फाइंड करना है। तो आप लोगों को पता है कि टोटल एक्सपेंडिचर को यदि आप पी जीरो से डिवाइड कर दोगे तो क्यू जीरो आपको मिल जाएगा। तो डिवाइड करें 400 को 100 से डिवाइड करोगे तो 4, 500 को 100 से डिवाइड करोगे तो 5, 600 को 150 से डिवाइड करोगे तो 4, 1080 को 180 से डिवाइड करोगे तो 6, 1000 को 250 से डिवाइड करोगे तो 4। अब इसी तरह से यहां पर यह 2015 में प्राइस दिया हुआ है लेकिन क्वांटिटी नहीं दी हुई है उसकी जगह पर टोटल एक्सपेंडिचर है तो हम 720 को 120 से डिवाइड करोगे तो 6,
600 को 120 से डिवाइड करोगे तो 5, 800 को 160 से डिवाइड करोगे तो 5, और 1000 को 200 से डिवाइड करोगे तो 5, 1200 को 300 से डिवाइड करोगे तो 4। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल बेस ईयर में टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि P0Q0, तो P0Q0 की वैल्यू देकर रखी है, P1Q1 करंट ईयर के लिए तो P1Q1 की वैल्यू देके रखी है। तो आपने जो डिवाइड किया, 400 को 100 से डिवाइड किया 4, 500 को 100 से डिवाइड किया 5, 600 को 150 से डिवाइड किया 4, 1080 को 180 से डिवाइड किया 6, 1000 को 250 से डिवाइड किया तो 4। इसी तरह से P1Q1 में Q1 फाइंड करने के लिए 720 को 120 से डिवाइड किया 6, 600 को 120 से डिवाइड किया 5, 800 को 160 से डिवाइड किया तो 5, 1000 को 200 से डिवाइड किया तो 5, 1800 को 300 से डिवाइड किया तो 4। अब हमें फाइंड करना है P1Q0, तो P1 का और Q0 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 120 480, 5 × 120 600, 4 × 160 640, 6 × 200 1200, 4 × 300 1200। अब फाइंड करना है P0Q1, तो P0Q1 आपको फिंगर्स रख लेनी है जिससे भूलना पड़े, तो 100 × 6 600, 100 × 5 500, 150 × 5 750, 180 × 5 900, 250 × 4 1000। स्टूडेंट्स, अब करेंगे हम टोटल P1Q0 का टोटल होता है सिग्मा P1Q0, 480 प्लस 600 प्लस 640 प्लस 1200 प्लस 1200, अमाउंट विल बी 4120। P0Q0 का टोटल होता है सिग्मा P0Q0, 400 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 1080 प्लस 1000, टोटल विल बी 3580। नेक्स्ट P1Q1 का टोटल होता है सिग्मा P1Q1, 720 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 1000 प्लस 1200 इक्वल्स टू 4320। P0Q1 का टोटल होता है सिग्मा P0Q1, 600 प्लस 500 प्लस 750 प्लस 900 प्लस 1000 इक्वल्स टू 3750। पास्चेज इंडेक्स नंबर फाइंड करना है PI। स्टूडेंट्स, आप लोगों को फुल फॉर्म लिखना है पास्चेज इंडेक्स नंबर एंड इन द ब्रैकेट IP। फॉर्मूला विल बी 1101 P1Q1 अपॉन P0Q1 × 100। सिग्मा P1Q1 की वैल्यू 4320 डिवाइड बाय P0Q1 की वैल्यू 3750 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 4320 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3750 आंसर विल बी 115.2। दिस विल बी द आंसर ऑफ पास्चेज इंडेक्स नंबर। फिशर्स इंडेक्स नंबर फाइंड करना है FIIF। फॉर्मूला डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि यहां पर लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर फाइंड नहीं किया हुआ है, तो सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 मीन्स 1000 मल्टीप्लाई बाय 1101 P1Q1 सिग्मा P0Q1 × 100। लिखोगे P1Q0 की वैल्यू 4120, सिग्मा P0Q0 की वैल्यू 3580, सिग्मा P1Q1 की वैल्यू 4320, सिग्मा P0Q1 की वैल्यू 3750। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। मल्टीप्लाई करें 4120 मल्टीप्लाई बाय 4320 आएगा 1779840। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे 3580 मल्टीप्लाई बाय 3750
आंसर विल बी 1342500 मल्टीप्लाई बाय 100। अब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 1778400 डिवाइड बाय 1342500 जो आंसर आएगा उसका रूट निकाल देंगे, यानी रूट पर क्लिक कर दोगे आप लोग, रूट आंसर आएगा 1.1514 मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आएगा 115.14। ये होगा फीसर्स इंडेक्स नंबर, जो ऊपर लिखा है वो आपको नीचे लिख देना है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे आज के दो सम्स, सम नंबर 5 और सम नंबर 6 कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।